बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिक्षा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 14 का पार्ट नंबर 2 को पढ़ लिया है। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन करा दिए जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। बच्चों आज की इस क्लास में वापस से मैं आपको इसी अध्याय से संबंधित पार्ट नंबर 3 में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और जो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम क्या है, अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच, और यह होने वाला भाग 3। ये जो है इस अध्याय का, इस यूनिट का सब तरह से ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस यूनिट में इकाई 6 में हमने केवल और केवल एक ही अध्याय पढ़ा हुआ, अध्याय 14। यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वापस से आज हम 4 नंबर की तैयारी पूरा कर लेंगे। तो बिल्कुल बच्चों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपके पास पेन और कॉपी बिल्कुल होनी चाहिए, फटाफट इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर छाप लो, फटाफट छाप लो, आ जाओ, चलो छाप लिए। अब देखो, अब यहां पर क्या बोला गया, क्या निकालना, चलो एक बार हम यहां पर पढ़कर देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 2k प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है, जहां k क्या है, एक पूर्णांक है। क्या क्या बच्चों, एक पूर्णांक है। ठीक है, चलो चलो सिद्ध कर देंगे। देखो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे सर, कि हमें यहां पर 3 में 3 नंबर मिले। पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में पूछा गया था, टेन स्टार लगा के रखना इसको। आ जाओ देखो, तो यहां पर सबसे पहले लिखो हल। देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि n बराबर, चलो मैं इसको n बराबर मान लेता हूं, n बराबर 2k प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या में प्राप्त होती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, विषम पूर्णांक है। बिल्कुल सर कर देंगे, देख लो पूर्णांक है। चलो तो इसको मैं एक बार यहां पर फिर से लिखना चाहूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, तो n बराबर क्या दिया है, 2k प्लस 7 हमें यहां पर दिया गया, बिल्कुल सर यहां पर दिया गया। अब चलो तो n बराबर, देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 2k को एज इट इज लिखा, 7 को हम लिख सकते हैं 6 धन 1, 7 को बच्चों मैंने क्या लिखा, 6 धन 1 लिख लिया। बराबर देखो यहां पर आप क्या कर सकता हूं, यहां पर 2 है और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो दोनों जगह से मैं 2 को लिया कॉमन। अब यहां से 2 को कॉमन निकाला तो क्या बचा हुआ, अभी भी k बचा हुआ है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, अच्छे से सर समझ में आ चुकी है। अब देखो प्लस है तो प्लस, 6 को हमने क्या लिखा था, 3 गुना 2, 2 को हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, अब क्या बचा हुआ, 3 बचा हुआ, बिल्कुल चिपका लो 3, तो ये सर हो चुका 3, प्लस का ये हो चुका 1, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलो हमें सिद्ध करना था कि n बराबर 2k प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है, जहां करके आप यहां पर लिख लेते, जहां फॉर ऑल, जो सभी k का मान है वो क्या बच्चों, पूर्णांक संख्या है। फॉर ऑल यानी कि जो सभी k का मान हम रखने वाले हैं वो सभी के सभी क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या। तो यहां पर इस लाइन को आप बिल्कुल यहां पर लिख देना। अब देखिए बच्चों यहां पर मैं अगर k की जगह कोई भी अगर मैं पूर्णांक संख्या रखता हूं, तो हमेशा आपको ये पूरी जो वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है वो आपको सम संख्या ही देने वाली। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को हम अगर 2 से गुणा करेंगे इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ क्या, 2 में गुणा में, 2 क्या है, गुणा में, और किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो हमेशा हमको क्या देने वाली है, सम संख्या ही देने वाली है। क्या देने वाली बच्चों, सम संख्या ही देने वाली है। अगर उस सम संख्या में हम अगर एक विषम संख्या जोड़ देंगे, एक को अगर मैंने जोड़ दिया तो वह बदल जाएगी विषम संख्या में। मैंने क्या बोला बच्चों कि ये जो पूरी वैल्यू है वो हमें सम संख्या देने वाले। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी मान प्राप्त हुआ है, अगर मैं k की जगह कोई भी इंटीजर नंबर रखता हूं, कोई भी पूर्णांक संख्या रखूंगा, तो वो 2 से गुणा होकर हमको क्या देगा, सम संख्या देगा। और उस सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें एक विषम संख्या ही मिलने वाली है। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि 2k प्लस 7 एक विषम पूर्णांक है, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहां पर देखो, यहां पर बस आप इसको लिखने का फॉर्मेट सीख जाओ। देखो तो सर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो हम मान लेते हैं, माना
मैं क्या कर रहा हूं, माना m बराबर, मैं मान लेता हूं माना m बराबर k प्लस 3, फिर यहां पर लिख लेना फॉर ऑल m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या होने वाली। बिल्कुल सर, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। चलो तो देखो, 2 को मैंने लिखा k प्लस 3, ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये m को चिपका दिया, प्लस ये हो जाएगा सर a 1 हो चुका, ठीक है। अब यहां पर देखो, फिर से इसको लिख लो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू i, यानी कि इंटीजर नंबर, यानी कि जितने भी हम m का मान रखेंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, आपके इंटीजर नंबर होंगे, पूर्णांक संख्या रखेंगे। अब यहां पर आप m की जगह कुछ भी पूर्णांक संख्या रख कर देख लो, हमेशा आपको एक विषम संख्या ही मिलने वाली है। अगर बच्चों चलो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं, करना बिल्कुल नहीं है, ऐसा करना नहीं है, मैं आपको बस चेक करके बता रहा हूं। चलो m की जगह मैंने रख दिया 0, 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या। अगर मैं यहां पर रख दूंगा 0, तो 2 का गुणा करूंगा 0 से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या मिला, 1 मिला, 1 क्या विषम है, और विषम ही तो लाना था ना, विषम आ चुका है। चलो अब की बार एक बार मैं माइनस 1 ले ले, चलो मैंने ले लिया -1, -1 भी क्या है आपका, क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 का मैंने किया गुणा किसके साथ, ऋण 1 के साथ किया, क्योंकि मैं m की जगह यहां पर क्या रख रहा हूं, ऋण 1 रख रहा हूं, प्लस का सर ये हो चुका 1, 2 का गुणा करेंगे ऋण 1 के साथ तो हमें मिलेगा ऋण का 2, धन 1 करेंगे तो वापस से मुझे सर यहां पर मिला हुआ ऋण 1। ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक विषम पूर्णांक है, ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, भले ही ऋणात्मक में लेकिन है तो विषम संख्या ना। आप चाहो तो आप यहां पर 10-20-20,000 एग्जांपल लेकर दे सकते हो, हमेशा आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, एक आपको विषम संख्या ही मिलने वाले, लेकिन आपको चेक करके दिखाना नहीं, बस लास्ट लाइन में लिख दे रहे हैं, लास्ट लाइन में बस लिखना इसको। अतः क्या लिखेंगे, अतः 2k प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अब ये कहां से आया है सर, अगर आप लोगों को रीजन बताना बच्चों, तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो विषम पूर्णांक की परिभाषा से, विषम संख्या की परिभाषा से, या फिर विषम पूर्णांक की परिभाषा से, विषम पूर्णांक की परिभाषा से, परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से, ठीक है। ये हमारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट लाइन में लिख देना यही सिद्ध करना था, लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, यही सिद्ध करना था, और वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, 6 लाइन मैंने इसको सॉल्व किया और ये क्वेश्चन पूरा बनकर आपका तैयार हो चुका। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका, जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, पूछा गया था 2019 सेट सी में पूछा गया, 10 स्टार लगा के रखना है। तो अब भी जो हमने प्रश्न सॉल्व किया था ना, ये उसी की तरह ही है, पूरा डिट्टो सेम टू सेम है। आ जाओ फिर से, क्या बोला गया है, हमें सिद्ध करना कि सर 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है, जहां k एक क्या है एक पूर्णांक है। बिल्कुल अभी जो सॉल्व किया था ना, उसी की तरह ये भी बनने वाला है। सबसे पहले यहां पर चिपकाएंगे हल, देखो चिपकाया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे, हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना बच्चों। चलो इसको मैं मान लेता हूं n, कि n बराबर 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अब भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो पूरा का पूरा डिट्टो बनने वाला है, एकदम सेम टू सेम विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलो एक बार इसी बात को यहां पर फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। चलो बोलो क्या लिख लूंगा मैं यहां पर, n बराबर सर मैंने लिखा 4m प्लस 9 मैंने 9 लिख दिया। चलो अब देखो, तो n बराबर 4m और प्लस को मैंने एज इट इज लिखा, हम 9 को सर लिख सकते हैं 8 प्लस 1, क्या लिखा मैंने, 8 प्लस 1 लिखा, बिल्कुल ठीक है। चलो तो n बराबर देखो सर, यहां पर मुझे ना 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, कैसे, 4 को सर मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, यानी कि दोनों जगह से मैं कॉमन निकाल लूं क्या, बिल्कुल सर निकाल लो, 2 को निकाले कॉमन सर। अब यहां पर हमने 4 को निकाले कहता 2 गुना 2 बचा हुआ है, 1 2 बचा हुआ है, और 1 m भी बचा हुआ है, तो यहां पर सर यह लिखा जाएगा 2m, बिल्कुल सर 2m लिखा चुका, ठीक है। चलो 8 को हमने क्या लिखा था, 4 गुना 2, हमने तो 2 को कॉमन निकाल लिया, अभी भी 4 बचा हुआ है, प्लस का ये हो चुका सर 1, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है, ठीक है। यहां पर आप एक लाइन और ऐड कर लेंगे, हमें सिद्ध करना कि n बराबर 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक संख्या है, जहां करके लिख लेना यहां पर, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल यहां पर लिख सकते हो, यहां पर थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, यहां पर k नहीं होगा ना, m होगा, ये
थोड़ा सा इसको चेंज करना है, यहां पर ये एम होगा क्योंकि एम के फॉर्म में दिया गया था, तो एम होगा जहां फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेना, के नहीं होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में के दिया गया था यहाँ पर, तो के ये था, यहाँ पर एम दिया है तो ये एम के फॉर्म में लिखा जाएगा, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आई लिखा जाएगा। बिल्कुल सर, हमने यहां तक कहानी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलो देखो, अब आ जाओ, अब यहां पर तक कर लिए तो थोड़ी देर के लिए रुको और सोचो, क्या सोचोगे देखो, क्या सोचोगे देखो। सर मुझे पता है अगर मैं यहां पर एम की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या रखूंगा ना, तो मुझे ये जो पूरी वैल्यू है ना, मुझे सम संख्या ही मिलने वाली। क्यों? क्योंकि दो के साथ गुणा में ये पूरा ब्रैकेट में कोई भी संख्या आपको, कोई भी संख्या मिलेगी, अगर उसका आपने दो से गुणा किया, अगर आपने उसका दो से गुणा किया तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलने वाली है। चाहो तो आप यहां पर एम बराबर, चलो कोई भी आप एक इंटीजर नंबर रख कर देख सकते, चलो मैंने यहां पर रख दिया एक, रख दिया, चलो एक रख दिया। देखो तो दो का गुणा होगा एक के साथ, क्योंकि एम की जगह हम क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, तो दो एक कम दो धन का ये हो जाएगा सर चार, तो दो और ये चार कितना हो जाएगा छह, छह का गुणा करेंगे हम यहां से दो से तो क्या मिलेगा बारह, बारह क्या है एक सम संख्या है। तो हमेशा आपको ये जो पूरी वैल्यू है क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है, और उस सम संख्या में अगर हमें एक विषम संख्या एक को मैंने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा बच्चों, हमेशा आपको मिलने वाला है विषम संख्या, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बस इतने में ही आपका प्रूफ हो चुका, बस इसको लिखने की जरूरत है। देखो अब लिखेंगे कैसे, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, 2m प्लस 4 की जगह मैं कुछ और मान लेता हूं, क्या, चलो इसकी जगह हम मान लेते हैं, माना कर लेते हैं, माना, चलो इसको मैं k मान लेता हूं, माना k बराबर 2m प्लस 4 मान लिया, फिर यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल k बिलोंग्स टू i, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू i आपको यहां पर चिपका देना, ठीक है। चलो तो यहां पर अभी क्या हो जाएगा, n बराबर 2 लिखा मैंने, m प्लस 4 यानी कि इस ब्रैकेट की जगह हम क्या चिपका सकते हैं, 2k प्लस 1 अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ, ठीक है। अब यहां पर k, आप यहां पर आप k की वैल्यू कोई भी इंटीजर नंबर रखते हैं, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू i, यानी कि k की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या रखोगे, हमेशा ये जो वैल्यू है आपको एक विषम संख्या ही मिलने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पर आप रखेंगे k की जगह, चलो मैंने यहां पर आपको रखकर दिखा दिया सर, ऋण 3 रखकर दिखा दिया, आप कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या रखकर देख सकते हो, ठीक है, पूर्णांक ना, ओनली पूर्णांक इंटीजर नंबर। चलो मैं यहां पर k बराबर ऋण 3 रखकर देखता हूं, तो दो का सर गुणा करूंगा मैं ऋण 3 के साथ, तो मुझे मिला ऋण का 6, बिल्कुल सर ऋण का 6 मिल गया। अब ऋण का 6 में अगर मैं धन 1 जोड़ दूंगा तो सर मुझे मिल चुका ऋण का 5। अब 5 क्या बच्चों, 5 का विषम संख्या है, तो ऋण जो 5 मिला है वो ऋणात्मक विषम संख्या है। अगर ऋणात्मक हो धनात्मक हो कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस देखना है कि विषम है कि सम है। बिल्कुल सर ये क्या मिला, विषम संख्या मिला, अतः हम कह सकते हैं कि 4m प्लस 9 क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या। क्या बच्चों? विषम पूर्णांक संख्या। बस लास्ट लाइन में इसको छापना, छाप दो, आ जाओ। अतः क्या लिखेंगे, अतः 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक संख्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। बिल्कुल 6 लाइन में ऐसे क्वेश्चन बनता है, और ये जो है वो आपको 3 में से 3 अंक दिलाने वाली है, यही सिद्ध करना था। बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको ये छाप देना है। सर हमारा यहाँ पर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, दो प्रश्नों को समझ लिया, सेम टाइप के हमने दो प्रश्नों को समझ लिया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस अध्याय का, इस वीडियो का और इस यूनिट का सब तरीके से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ जाएगा इसको करने में। आ जाओ देख लो क्या बोला गया है, कि सिद्ध करना है कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। इसको बच्चों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था, एक नंबर के लिए इसको कैसे सॉल्व करते थे, मैंने आपको बहुत सारे विषम संख्या लेकर दिखाया और उसका वर्ग किए थे, तो हमेशा क्या मिला था, हमेशा हमें एक विषम संख्या ही मिला था। लेकिन अब यहां पर इसको प्रूफ करना है, तो सर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मुद्दा यह है। बिल्कुल आ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दम नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं। आ जाओ हल लिखे यहां पर। अब देखो क्या बोला गया था, कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। तो बच्चों अगर मैं पीछे अपने दोनों प्रश्न की ओर बात करूं, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा था, 2k प्लस 1, ठीक है। यहां पर देखो 2k प्लस 7 ये क्या था, एक विषम संख्या। तो उसी के फॉर्म में मैं क्या करूंगा बताए, मैं एक विषम संख्या को मानने वाला हूं। क्या मानूंगा, देखो यहां पर मैं मानने वाला हूं, माना एक विषम संख्या, ठीक है। मैं मान रहा हूं बच्चों k प्लस 1,
के प्लस वन में मारा, सॉरी टू के प्लस वन होगा, टू के प्लस वन होगा। क्यों? अगर मैं के की जगह, अगर मैं k की जगह कोई भी इंटीजर नंबर रखता हूं, कोई भी पूर्णांक संख्या रखता हूं, तो हमेशा ये जो वैल्यू है ना वो मुझे विषम संख्या ही मिलने वाली। कैसे सर, कैसे मिल जाएगी? देखो चलो रख कर यहां पर देख भी लेते हैं। चलो मैंने यहां पर k बराबर रख लिया, चलो मैं कुछ भी क्या रख लो, दो रख लेता हूं, चलो दो रख लिया, ठीक है। कुछ भी पूर्णांक संख्या आप रख कर देख सकते हो। तो दो का गुणा होगा दो से, तो चार मिलेगा, चार में एक जोड़ेंगे तो क्या मिला, पांच। पांच क्या है? पांच क्या विषम संख्या। तो हमने सभी विषम संख्याओं को लिखने का फॉर्मेट यही होता है, टू के प्लस वन, टू के प्लस वन होता है। हमने इसको मान लिया, माना एक विषम संख्या टू के प्लस वन है। अब यहां पर आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आई, बिल्कुल सर हमने यहां पर इसको कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो बिल्कुल देख लो। अब सर यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या कि माना एक विषम संख्या एन बराबर, एन बराबर करके लिख लेता हूं, एन बराबर टू के प्लस वन है, टू के प्लस वन है, ठीक है। फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आई है, k की वैल्यू क्या है, पूर्णांक संख्या, बिल्कुल। अब देखो क्या बोला था, विषम संख्या का वर्ग करेंगे, विषम संख्या का वर्ग करेंगे और विषम संख्या ही मिलती है। तो मैं क्या करूंगा, वर्ग करने जा रहा हूं, तो वर्ग करने जा रहा हूं, देखो दोनों पक्षों का मैंने किया वर्ग, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा टू के प्लस वन, दोनों पक्षों को मैंने कर दिया सर वर्ग। वर्ग क्यों किया, क्योंकि बोला गया था कि विषम संख्या का वर्ग करना, बिल्कुल सर ने वर्ग कर दिया। अब देखो सर, अगर मैं इसको a ले लिया और इसको b ले लिया, तो मुझे a प्लस बी पूरे की घात दो वाला फॉर्मूला यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल चिपका दो, चिपका दो। तो फॉर्मूले को हम यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि ये होता सर a प्लस बी पूरे की घात दो बराबर, ये होता सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये होता है प्लस का 2ab, बिल्कुल ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। जहां जहां पर देखो इसका विस्तारित रूप ये होता है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, a की जगह आपको चिपकाना 2k और b की जगह आपको लिखना 1, बिल्कुल दिक्कत क्या आ जाओ, दिक्कत होनी चाहिए। तो सर ये हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर, फिर क्या था ए स्क्वायर, और ए की जगह मैं बोल रहा हूं कि टू के लो, तो टू के रख देंगे, बिल्कुल टू के। अब देखो हमें पता है कि सर जो घात लगा है वो दो का भी है और के का भी है, तो इसको हम लेंगे ब्रैकेट में और लगा देंगे घात में दो, प्लस है तो प्लस। फिर क्या था बी स्क्वायर, और बी की जगह आपको लेना है एक को, तो एक का वर्ग करोगे तो आपको एक ही मिलेगा, तो डायरेक्टली मैंने बस एक ही लिख दिया, ठीक है सर। चलो प्लस है तो प्लस। अब देखो यहां पर 2ab है, 2 को मैंने लिखा, ठीक है, a a की वैल्यू गुणा के साथ आ जाएगा 2k, फिर क्या था गुणा में सर यहां था b, और b की वैल्यू हम ले रहे हैं सर 1 को, बिल्कुल सर हमने 1 को ले लिया। अब देखो आगे, तो n स्क्वायर बराबर, अब n स्क्वायर बराबर देखो सर, अब हमें पता है कि जो घात में 2 है वो 2 का भी है और k का भी है, तो हम अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2k स्क्वायर अगर कोई बच्चा लिखा तो उसका काम तमाम हो जाएगा भाई, ये जो घात में 2 है वो 2 का भी है और k का भी है, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट लगाया हुआ है कि ये दोनों की घात 2 है, बिल्कुल आ जाओ। चलो आ जाओ, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं धन 1 को ना बाद में लिखूंगा, लास्ट वाले में लिखूंगा, यहां पर 2 का गुणा करूंगा 2 से, तो 2 दूनी सर मुझे मिल जाएगा 4k, और 4k का अगर मैं गुणा किया 1 से तो मुझे 4k ही मिलने वाला है, धन का 1 अभी भी बचा हुआ है, बिल्कुल छाप दो यहां पर सर, हमने छाप दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो n स्क्वायर बराबर, देखो n स्क्वायर बराबर सर मैं 4 को लिख सकता हूं 2 गुना 2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 गुना 2, तो दोनों जगह से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं, क्या निकाल दूं सर, अभी भी यहां पर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है और k स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, 2k स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। चलो प्लस है तो प्लस, यहां पर 4 को हमने क्या लिखा था 2 गुणा 2, एक 2 को कॉमन निकाला है, एक 2 और साथ में k बचा हुआ है, तो 2k बचा हुआ है, ठीक है, प्लस 1 को ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे। अब यहां पर रुको और थोड़ी देर सोचो, क्या सोचो, देखो हमने क्या लिया हुआ था कि फॉर ऑल k बिलोंग्स टू i, यानी कि k की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको पूर्णांक संख्या ही रखना है, तो k की जगह बच्चों यहां पर इस पूरे ब्रैकेट में k की जगह आप कुछ भी रखोगे, कुछ भी रखोगे, ठीक है, कुछ भी कहने का मतलब क्या, कुछ भी कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या ही, पूर्णांक भिन्न वाला संख्या नहीं रखना, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ही रखना, ठीक है, पूर्णांक संख्या यहां पर रखोगे और उसको 2 से गुणा करोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ना वो आपको क्या देने वाला है, सम संख्या ही देने वाली है। अगर किसी भी संख्या को आप 2 से गुणा करते हो तो आपको 2
से गुणा करने के बाद सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो ब्रैकेट में कोई भी संख्या प्राप्त होगी, अगर हम k के मान कुछ भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, ब्रैकेट में कोई भी संख्या प्राप्त होती है, उसका अगर मैंने 2 से गुणा किया तो हमेशा हमें सम संख्या ही मिलने वाली है। अब इस सम संख्या में अगर मैं एक विषम संख्या को जोड़ दूं, 1 को मैंने जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? हमेशा हमें एक विषम संख्या ही मिलने वाली है। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। बिल्कुल सर, हमने यहां पर प्रूफ कर दिखा दिया। अब बस इसको लिखने की जरूरत है, किस तरह हम इसको लिखेंगे, कैसे, मुद्दा यह है। आ जाओ, इसका भी काम तमाम करते हैं। देखो, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे ब्रैकेट को मान लेता हूं, ठीक है, मैं कोई भी एक वेरिएबल मान लेता हूं, ठीक है। माना क्या मान लो, चलो मैंने मान लिया बी, क्या मान लिया बच्चों, मैंने मान लिया बी, ठीक है। चलो B, ये हो जाएगा 2k square plus 2k। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि for all b belongs to i, यानी कि जो b मिलने वाला है, जो b की वैल्यू प्राप्त होने वाली है, वो क्या मिलेगा, हमें इंटीजर नंबर ही मिलने वाला। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n square बराबर 2 को मैंने लिखा, अब 2k square plus 2k की जगह हम क्या चिपका देंगे, बी को चिपका दिए, तो 2b plus का 1 अभी भी बचा हुआ है। अब यहां पर फिर से आप लिख सकते हो फॉर ऑल बी बिलोंग to I। अब देखो बच्चों, यहां पर रुको 2 सेकंड के लिए और सोचो, अब बी बिलोंग्स टू आई है, यानी कि बी की जगह हम कोई भी इंटीजर नंबर रखते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, तो हमेशा आपको यहां पर क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, और उसमें आपने जोड़ा 1 को, तो क्या मिलेगा, आपको विषम संख्या ही मिलने वाली है। अतः हम कह सकते हैं कि एक विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। हमने एक विषम संख्या माना था और उसका वर्ग किया तो हमें यह प्राप्त हुआ। अब यहां पर बी की जगह आपको भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। बिल्कुल आप चेक कर देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो, अब लास्ट लाइन बस अपने आंसर को लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, देखो, अतः देखो क्या करके लिखेंगे, अतः कहां गया, अतः एक विषम संख्या का वर्ग, अतः एक विषम संख्या का वर्ग, एक विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो आप 4-5 एग्जांपल सोच कर देख सकते हो। अगर ये प्रूफ करने में आया 3 नंबर के लिए, तो पूरा ये आपको स्टेप फॉलो करके बताना पड़ेगा कि सर इस तरह से हम विषम संख्या लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। लास्ट टर्न चिपकाओ, यहां पर यही सिद्ध करना था। बिल्कुल सर, मैं यहां पर सिद्ध करके दिखा दिया, यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में फिर से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्नों को करा दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 नंबर के लिए 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पार्ट में करा दिया है। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतने के ही अगर आपने अच्छी तैयारी कर लिया है तो बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला, ये गारंटी के साथ है, आपके पूरे अंक आने वाले। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।